कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में आज से वैक्सीनेशन का पहला सेशन 18 पार वाले युवाओं के लिए प्रारंभ किया गया है। इस प्रथम कोरोना वैक्सीन सेशन में सुबह से कोविड सेंटर के आसपास युवाओं की भीड़ लगने लगी थी। खासकर वैक्सीन को लेकर युवाओं में गजब का उत्साह देखा गया है। एक युवा ऋषि पाटीदार जो कि खरगोन का ही रहने वाला है, उसने भोपाल से सेगांव के लिए प्लाट बुक करके सेगांव में वैक्सीन लगवाई और युवाओं को वैक्सीन लगवाने का संदेश भी दिया। बीएमओ डॉक्टर मनीषा मंडलोई ने बताया कि 18 पार वैक्सीन के पहले सत्र में अभी 20 से 25 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और वैक्सीन लगने के बाद अभी सभी स्वस्थ हैं और आज 100 लोगों का वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। सेगांव वासी संजय जायसवाल की रिपोर्ट। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं युवा शक्ति के लिए? युवा शक्ति के लिए सभी को अभी कोविड-19 वैक्सीन लगवानी चाहिए, इससे कम्युनिटी और स्ट्रांग होगी और देश भी स्ट्रांग होगा। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोविड-19 वैक्सीन लगवाएं, इन्फेक्शन के चांसेस इससे कम होंगे और ये सभी के लिए अच्छा है। नाम मेरा नाम ऋषि पाटीदार है और मैं बेसिकली मेरा होम टाउन खरगोन है, पर मैं बाय बर्थ भोपाल में रहता हूँ और मैं भोपाल से आया हूँ। प्लस वालों को वैक्सीन लग रही है, उस सेंटर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? उस सेंटर की तैयारी हमने कल ही कर चुकी है और हमको 100 का टारगेट दिया, आज फर्स्ट डे है और 18 प्लस वालों को कम से कम 20 से 25 लोगों को अभी तक लग चुका है और सभी अच्छे हैं, किसी को कोई AFI नहीं हुआ है और साथ में हमारे यहाँ पे सैंपलिंग भी हो रही है, बाकी सब ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।